This question is from chapter circle. In this question we have to find the equation of a circle which passes through the foci of the ellipse, this, and have center at 0,3. So we know that foci of, first of all, इसका जो a है, a square है वो कितना है 16 और b square क्या है 9, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन होती है जनरल x square upon a square plus y square upon b square 1. तो यहाँ a greater than b है, तो इससे क्या हुआ जो फोकाई होगी एक्लिप्स की वो होगी प्लस माइनस ae कॉमा 0 और रिलेशन क्या होता है फोकस एसेंट्रिसिटी और कॉन्जुगेट के बीच में e square equals to minus b square by a square. तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो e square क्या आएगा 1 minus 9 by 16. तो ये क्या हो गया 7 by 16 e square. तो e क्या आ गया अंडर रूट 7 by 4. तो इसके फोकाई क्या क्या हो गए प्लस माइनस अंडर रूट 7,0. अब अगर अपन देखें और इसका जो सेंटर है अपन को सर्कल का एक पॉइंट मिल गया. पॉइंट क्या हो गया अंडर रूट 7,0 ले लेते हैं और इसका जो सेंटर है वो है 0,3 पे. तो क्या होगा रेडियस, क्या होगा रेडियस होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस 7 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो गया 7 + 9 = 4. सेंटर का सर्कल पता है तो इक्वेशन क्या हो गई सर्कल की x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर. तो क्या गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल्स टू 16. तो हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. ये हो गई अपनी सर्कल की इक्वेशन. तो ये सर्कल ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेक्ट हुआ, x2 + y2 - 6y. Option 4 is the right answer.